तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि आईटीआई का रिज़ल्ट, जिन्होंने 2021 में परीक्षा दिया वो ऑनलाइन, वो उनका रिज़ल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। हाल ही में एनडीटीवी ने अपनी ताज़ा न्यूज़ में बताया है कि इसे जारी कर दिया गया। चलिए मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दिखा देता हूँ एनडीटीवी की ओर से, वो ऑफिशियल न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूँ कि वो क्या है और आप इसे कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी कि आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, अब इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको ये सब। ये देखिए, सबसे पहले आपको लिखा है एनसीबीटी एमआईएस एनुअल 2021 रिज़ल्ट, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको नीचे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि नीचे क्या बताया जा रहा है आपको अगर अपना रिज़ल्ट चेक करना है। ये देखिए, बताया साफ साफ बताया जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट ncbtmis.gov.in पर जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन पेपर दे दिया है। अब इसे चेक करने के लिए क्या क्या आपके पास चाहिए ये हम बात करने वाले, तो चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। ये पूरा लिखा है ncbtmis पोर्टल के बारे में, जिससे आप हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। नीचे मैं दिखा देता हूँ, तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। यानी कि नंबर 1 पे आपको इस साइट पे जाना है, उसके बाद से एक नीचे लिंक दिया है, इस लिंक पे भी आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। अब मांगी गई जानकारी सबमिट कीजिए, यानी कि आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, फिर नाम, और उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल एनुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद से अगर जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये बताया गया है। चलिए मैं आपको और नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कैसे लिंक दिया गया। आप इस लिंक के माध्यम से आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ncbtmis पोर्टल आपको गूगल के सर्च बार में टाइप कर देना है। सर्च बार में टाइप करने के बाद सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो पेज ओपन होगा तो सबसे पहले आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, यानी कि ncbtmis पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज इस प्रकार का खुलेगा। तो थोड़ा देर लोडिंग ले रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण ये पेज नहीं भी खुल सकता है। आप इसे कल चेक करेंगे तो आराम से ये साइट खुल जाएगी, लेकिन आज ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण ये खुल नहीं रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर खुलता तो मैं आपको सब कुछ पढ़ के दिखा देता। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये सर्च करता है। तो दोस्तों, जैसे ही सर्च करते हैं तो ये साइट बहुत बिजी होने के कारण इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने शो होगा। तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण इस प्रकार का लिख के आएगा। आप कल चेक करिएगा, आराम से आप चेक कर लेंगे।